हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्सूम यूट्यूब चैनल। अगर आप सैमसंग फ़ोन की गूगल वेरिफिकेशन ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अपना गूगल ईमेल या पासवर्ड लगाकर भूल गए हैं, तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप अक्सर अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करते हैं और इसमें आपका जीमेल का अकाउंट लगा होता है, या आपने कहीं से फ़ोन ख़रीदा और उसमें गूगल का अकाउंट लगा था और आपने फ़ोन को रीसेट कर दिया और यहाँ पर वो आपसे गूगल वेरिफिकेशन ईमेल और पासवर्ड मांगता है मगर वो आपको याद नहीं। तो इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसके लिए आपको टेनोरशेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो यहाँ पर इसके दो फीचर्स हैं, रिमूव स्क्रीन लॉक एंड रिमूव गूगल लॉक। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके आप स्क्रीन लॉक भी ख़त्म कर सकते हैं और रिमूव गूगल लॉक पर क्लिक करके आप गूगल ऐप पर लॉक ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करें और अपने फ़ोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ डिवाइस मॉडल को सेलेक्ट करें। यहाँ पर काफ़ी मॉडल मौजूद हैं, मेरा फ़ोन गलेक्सी A30 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। अब आप अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में ऑन करें। इसके लिए आप अपने फ़ोन को ऑफ करें, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस किए रखें जब तक ये ऑन ना हो जाए। जब ये ऑन हो जाए पावर बटन को छोड़ दें, आपका फ़ोन रिकवरी मोड में ऑन हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने फ़ोन को किस तरह रिकवरी मोड में ऑन कर सकते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। रिकवरी मोड में ऑन होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको PTA इन्फो एंटर करनी है। वो आप कहाँ से देख सकते हैं? जब आपका फ़ोन रिकवरी मोड में ऑन होगा तो स्क्रीन के टॉप पर इस तरह का कोड लिखा होगा, वो आपने देख लेना है और यहाँ लिस्ट में से इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कंट्री कोड और कैरियर को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट कर दें। अब आप अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में ऑन कर लें। इसका तरीका आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप फ़ोन को ऑफ करें, फिर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखें। अगर आपके फ़ोन मॉडल में होम बटन मौजूद है तो फिर आप पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन को एक साथ प्रेस करके रखें जब तक ये सैमसंग लोगो शो ना हो जाए। सैमसंग लोगो शो होने के बाद इन बटन को छोड़ दें, आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में ऑन हो जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। अपने फ़ोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसको तब तक ना उतारें जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। थोड़ी ही देर में आपके फ़ोन का FRP लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।